हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। अभी हम सॉल्व करेंगे डिवीजन किस तरह किया जाता है। देखिए, डिवीजन के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स याद रखना होगा और मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हम देखेंगे कि डिवीजन किस तरह किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन है 4682 है, 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर हमको 4 होना चाहिए। अब जैसा 2 2 क्या हो जाएगा, 4। इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो या इसके बराबर होना चाहिए नंबर या आपका नंबर इससे कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ के आंसर नहीं होना चाहिए। तो आप इससे ज़्यादा आप आंसर नहीं ले सकते, तो कम लेना चाहिए या बराबर लेना चाहिए। अब माइनस कीजिए, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, तो यह 6 यहाँ पर उतार लेंगे। फिर 2 के टेबल में 6 आएगा 2 क्या हो जाएगा 6, 6 में 6 को माइनस करेंगे 0। फिर दोबारा यहाँ पर 8 उतारेंगे हम, 2 के टेबल में 8 आएगा, 2 4 8 होगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से हम 2 ले लेंगे, 2 1 क्या होगा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0। इस तरह हम डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। हम दोबारा से 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 आएगा 3 3 होगा, 3 3 9, 9 में से 9 को माइनस कीजिए आप, 0 हो जाएगा। ये 6 यहाँ पर लाके लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 हो, 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 6 को माइनस कीजिए 0। फिर यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ले लेंगे हम, 3 3 1 क्या होगा 3, 3 में से 3 को माइनस कीजिए 0। फिर बस वाले 3 को यहाँ पर उतारेंगे, 3 फिर 3 1 क्या होगा 3। इस तरह हम कोई भी नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 848 को 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 4 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर उतारेंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 4 में से 4 को माइनस कीजिए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से 8 उतारेंगे, 4 2 8 होगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, इसको बोलेंगे क्वेश्चन। अब 5 है, देखिए 1055 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 10 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 2 हम 10 ले सकते हैं, 10 में से 10 को माइनस कीजिए 0, ये 5 यहाँ पर उतारेंगे हम, 5 1 5, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, फिर यहाँ पर 5 5 1 5 5 -5 0। इस तरह एक एक नंबर लेना है हमको, दोनों नंबर से एक साथ हम नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, 5687 को 2 से डिवाइड करना है, 5 2 के टेबल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम, कम वाला लेंगे, 2 2 4 ले सकते हैं, बढ़ के नहीं लेना, इससे ज़्यादा नंबर नहीं लेना, कम लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 6 यहाँ पर उतारेंगे, 2 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 0। फिर दोबारा हम 8 उतारेंगे, एक एक करके यहाँ पर हम लेते जाएंगे, 6 यहाँ पर ले ली, दोबारा 8, 2 4 क्या हो जाएगा 8 8 -8 हो जाएगा 0। फिर ले लेंगे हम 7 7, 2 के टेबल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 3 ले सकते हैं, 2 3 6 बच जाएगा 1, ये 1 को हम कहेंगे रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1। अब ये देखिए, 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा, तो 10 से कम कौन सा नंबर आएगा वो ले लेंगे, 3 3 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा, 10 में से 9 माइनस करने पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर से हम ले सकते हैं 8। फिर 3 6 18 आ जाएगा, या बराबर इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, 18 में से 18 को माइनस कीजिए आप 0। फिर यहाँ से लेंगे 6, 3 2 क्या हो जाएगा 6 6, में से 6 माइनस कीजिए 0, फिर यहाँ पर ले लेंगे 3 3 1 क्या हो जाएगा 3 3 -3 माइनस कीजिए 0, रिमाइंडर इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए, 984 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 1 9 हो जाएगा, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0, ये है 8 यहाँ पर उतारेंगे, कि 9 डिवाइजर डिविडेंड बड़ा है या छोटा है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लेके ये 4 यहाँ पर ले सकते हैं। अब 9 के टेबल में 84 आएगा, अगर आया तो लेना, या नहीं आया तो 9 9 81 ले सकते हैं हम, ये बच जाएगा माइनस करने पर 3, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर।
इस तरह डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6986 को 5 से डिवाइड करना है, 5 वन जा 5 हो जाएगा, 6 में से 5 निकालने पर 1 आएगा या 9 यहाँ पर ले लेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करिए 5 से, 19 नहीं आएगा, इससे कम वाला लेंगे, 5 से लेंगे हम, क्या लेंगे 5 3 जा 15 ले सकते हैं, 19 में से अगर 15 निकालने पर बच जाएगा 4, फिर यहाँ का 8 ले लेंगे। दोबारा से 48 भी 5 के टेबल में नहीं आएगा, इससे कम वाला 5 9 जा 45 लेंगे हम, इन दोनों को माइनस करने पर बचेगा 3, ये 6 यहाँ पर ले लेंगे, 5 7 जा हो जाएगा 35, 36 में से 35 को माइनस कीजिए 1, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। अब देखिए 36845 है, 36845 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये दोनों को ले सकते हैं, 5 7 जा 35 हो जाएगा, ये एक आ रहा तो एक ले सकते हैं, दो आ रहा तो दो ले सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन नंबर नहीं लेना चाहिए। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 उतारे, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 18 15 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ से 4 ले सकते हैं आप, 5 6 जा हो जाएगा 30, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, यहाँ से लेंगे 5, 5 9 जा हो जाएगा 45, इन दोनों को माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर हो गया इसका 0। इसके लिए टेबल अच्छा याद रहना आपको ज़रूरी है, जब तक टेबल याद नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। अब ये देखिए 96986 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, समझिए ये 6 लेंगे हम, 6 1 जा 6 ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस कीजिए 3, यहाँ से लेंगे 6, 6 6 जा हो जाएगा 36, इन दोनों को माइनस कीजिए 0, यहाँ से हम ले सकते हैं 9, 6 1 जा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, यहाँ से हम ले सकते हैं 8, 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, इन दोनों को माइनस कीजिए बच जाएगा 2, यहाँ से ले सकते हैं 6, 6 4 जा ले सकते हैं 24, 6 4 जा 24, रिमाइंडर बच जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर। अब ये देखिए 10 से डिवाइड करना है, क्या है यहाँ पे 6,84,686, तब हम ये दोनों को मिला के ले सकते हैं, 68 तो नहीं आएगा, इससे कम वाला मतलब 10 6 जा 60 हम ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस करने पर बच जाएगा 8, यहाँ से 4 ले सकते हैं, 10 8 जा 8 ही ले सकते हैं इन दोनों को, फिर यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ से हम 6 ले सकते हैं, 10 4 जा 40 ले सकते हैं, बच जाएगा 6, यहाँ से फिर 8 ले लेंगे, 10 6 जा दोबारा 60 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 8, यहाँ से नेक्स्ट लेंगे 6, 10 8 जा 80 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 6, ये 6 को हम क्या कहेंगे रिमाइंडर हम कहेंगे। इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए 6,98,467 को 9 से डिवाइड करना है, अब ये इन दोनों को ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 69 तो नहीं आएगा, तब आप क्या कर सकते हैं इससे छोटा ले सकते हैं, 97 से क्या होगा 63 हो जाएगा, 97 जा 63 या बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, इन दोनों को माइनस कीजिए 6 बच जाएगा, यहाँ से 8 ले लेंगे, फिर दोबारा आप 97 जा 63 ले सकते हैं, यहाँ से बच जाएगा 5, नेक्स्ट उतारेंगे 4, 96 जा 54 हो जाएगा, 54 में से 54 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, दोबारा यहाँ से 6 ले सकते हैं, ये 6 छोटा हो जाएगा ये बड़ा होगा, तो आप 0 यहाँ पर लेके यहाँ का 7 ले सकते हैं, दोबारा 9 से आप 97 जा 63 ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 4, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ से 12 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप, डिवाइड करने का तरीका तो एक ही होगा। अब 12 3 जा आप डायरेक्ट 36 ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच जाएंगे क्या बच जाएंगे 0, अब यहाँ से लेंगे 9, फिर दोबारा ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, तब यहाँ पे 0 लेके यहाँ पे 8 ले सकते हैं, 12 8 जा 96 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ से लेंगे 4, अब 12 2 जा हो जाएगा 24 में से 24 निकालेंगे 0, यहाँ पर लेंगे 0, यहाँ पर भी आप 0 ले सकते हैं, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 12 5 जा हो जाएगा 60, इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 13 है, 13 के टेबल में 96 आएगा, पहले इसको आप चेक कर लेना है, तो 96 नहीं आएगा तो आप क्या ले सकते हैं 13 7 ले सकते हैं, 91 ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे 5, ये 9 हो जाएगा, 59 भी नहीं आएगा, इससे कम वाला 13 4 ले सकते हैं आप, 52 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा 7,
फिर यहाँ से लेंगे 8, ये हो जाएगा 78, 78 13 6 जा 78 हो जाएगा, 13 6 जा 78, इन दोनों को माइनस करने पर 0 बच जाएगा। यहाँ से लेंगे 4, फिर दोबारा 0 लेके यहाँ का 6 लेंगे हम, 46 भी 13 के टेबल में नहीं आएगा, इससे कम वाला 13 3 जा 39 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 16 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो बच जाएगा 7, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए 7 से डिवाइड करना है तो 46 नहीं आएगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 4 बच जाएगा, या 9 ले सकते हैं आप। फिर दोबारा आप ले सकते हैं 7 7 जा 49 ले सकते हैं, क्योंकि 49 7 के टेबल में आ जाएगा 0। यहाँ से लेंगे 8, 7 1 जा 7, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। यहाँ से ले सकते हैं 4, 7 2 जा हो जाएगा 14, 14 में से 14 माइनस कीजिए 0। यहाँ का 6, यहाँ पर 0 लेके यहाँ पर भी 0 आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे 67 के टेबल में नहीं आएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, 7 8 जा 56 ले सकते हैं, बच जाएगा 4, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ये 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8 ले सकते हैं आप, 1 बच जाएगा या 16, 8 2 जा हो जाएगा 16, 16 में से 16 को माइनस कीजिए 0, यहाँ से दोबारा 8 उतारेंगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस कीजिए 0, यहाँ से 4 लेंगे, 0 लेके अगला नंबर यहाँ पर लेंगे, क्योंकि 4 छोटा हो गया 8 बड़ा हो गया। अभी 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो 8 6 जा ले सकते हैं आप, 8 6 जा 48 हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो इसलिए क्या करना, कम लेना या बराबर लेना, तब आप क्या ले सकते हैं, 8 5 जा 40 ले सकते हैं आप, तो बच जाएगा 6, यहाँ से ले लेंगे 8। अब 68 8 के टेबल में नहीं आएगा, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, या फिर 8 जा 64 ले सकते हैं, 8 जा 64, ये बच जाएगा 4। इस तरह आप बराबर लेना या उससे कम वाला लेना, लेकिन आप बड़ा नंबर नहीं लेना चाहिए। ये देखिए 15 से डिवाइड करना है, ये 97 है, 32 है, 68, इन दोनों को आप ले सकते हैं। तो 15 के टेबल में 97 तो नहीं आएगा, तो उससे कम करीब कौन सा आएगा वो लेना, 15 6 जा 90 हो जाएगा, ये ले सकते हैं आप। इन दोनों को माइनस कीजिए 7, यहाँ से लेंगे 73, 15 के टेबल में 73 भी नहीं आएगा, इससे कम वाला आप ले सकते हैं, 15 4 जा 60, यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से ले लेंगे आप 2, 132 भी 15 के टेबल में नहीं आएगा, इसके करीब कौन सा आ जाएगा, 8 ले सकते हैं आप, 8 ले लेंगे, 8 हो जाएगा, 15 8 जा 120 हो जाएगा, 82 बच जाएंगे यहाँ से 1, दोबारा यहाँ से लेंगे 6, फिर दोबारा आप 15 8 जा ले सकते हैं 120, ये बच जाएगा 6, यहाँ से लेंगे 8, 12 के टेबल में या 15 के टेबल में 68 नहीं आएगा, इसके करीब 4 जा ले सकते हैं आप, बच जाएगा 60, ये 8 हो गया आपका रिमाइंडर। इस तरह आप ले सकते हैं। ये भी देखिए 12 के टेबल में 96 आएगा 12 8 जा 96, ये 0 हो जाएगा माइनस करने पर, 8 ले लेंगे, ये बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इसलिए 0 लेके यहाँ का 4 लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 12 7 जा 84 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 5, ये 0 लेके यहाँ का 6 ले लेंगे हम। अब 56 आएगा 12 के टेबल में, नहीं आएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 8, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। अभी देखिए 18 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड का मेथड मालूम होना आपको जरूरी है। आप डिवाइड कीजिए 18 से, 18 के टेबल में 96 नहीं आएगा, तो इसके करीब वाला कौन सा हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 18 5 जा 90, ये ले सकते हैं, टेबल चेक कर लेना है आपको मालूम हो जाएगा, ये 9, यहाँ से उतारेंगे 69, 69 भी नहीं आएगा, इसके कम 18 3 हो जाएगा 54, ये ले सकते हैं आप। यहाँ पर माइनस करने पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, नेक्स्ट अगला नंबर 8 उतारेंगे, 158 हो गया, 158 भी आपको 18 के टेबल में नहीं आएगा, तो 88 8 ज़ा ले लेंगे, 144 ले लेंगे, ये 4 बच जाएगा, ये 1, यहाँ से दोबारा लेंगे हम 4, 144 18 8 ज़ा 144, यहाँ का 6, इस तरह या 0 लगा के इधर 0 लगा लीजिए, यहीं पर छोड़ भी आप सकते हैं। अब ये 19 है, 19 के टेबल में 69 नहीं आएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, 19 के टेबल में 69 के करीब वाला देखना चाहिए आप, 69 के करीब वाला 3 ज़ा ले सकते हैं, 57 आ जाएगा,
इन दोनों को माइनस करने पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये 8। 19 के टेबल में 128 भी नहीं आएगा, तो 128 के करीब वाला आपको देखना चाहिए, 19 सिक्सा हो जाएगा 114, ये ले सकते हैं आप। यहाँ पे 4 बच जाएंगे, यहाँ पे 1, दोबारा यहाँ से लेंगे हम 4, 144 देखिए आप, 19 के टेबल में 144 भी नहीं आएगा, इससे कम वाला देखना पड़ेगा आपको। 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 हो जाएगा, यहाँ पर बचाएगा 1, यहाँ पर 1, अगला 6 यहाँ पर उतारेंगे। 116 भी 19 के टेबल में नहीं आएगा, सिक्सा ले सकते हैं आप, सिक्सा 114 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर बच जाएगा 2, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। इस तरह आप डिवाइड के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।